आज हम पढ़ेंगे 12वीं भौतिकी का अध्याय 3 प्रकाशिक यंत्र। क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को हम सामान्य अपने आँखों से देख सकते हैं, लेकिन यदि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म वस्तु है जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते, तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है प्रकाशिक यंत्रों की। जैसे दूर बहुत ज़्यादा आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का। और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते उसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। तो प्रकाशिक यंत्र वे यंत्र है जिसका उपयोग हम दूर स्थित और अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। कुछ प्रकाशिक यंत्र है जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे हमारी आंखें और कैमरा, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है तो उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। और कुछ प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटी चीज़ें रहती हैं उसको हम नहीं देख पाते, तो उसको क्या होता है, बड़ा किया जाता है। वो वास्तव में उतनी बड़ी होती है क्या? नहीं होती। तो उसका हम कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऐसे यंत्र जो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। इस अध्याय में हम अलग अलग प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोली दूरदर्शी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझें दर्शन कोण क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा नेत्र है, नेत्र के अंदर हमारा नेत्र भी क्या है, एक उत्तल लेंस है और पीछे रेटिना एक पर्दा है। जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें हमारे नेत्र यानी कि उत्तल लेंस से गुजरती है और गुजरने के बाद पश्चात जब वो मिलती है कहाँ पे, रेटिना पे, तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। छोटे छोटे क्लास के बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, इस पुस्तक को मैं देख पा रही हूँ, तो क्या मेरी आंखों से कोई किरणें चलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आसपास जो प्रकाश है, प्रकाश मेन अभी कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, लाइट से भी आता है कृत्रिम प्रकाश। तो ये जो प्रकाश इससे टकराकर जब मेरी आँखों में प्रवेश करेगा यानी कि उत्तल लेंस में, और इसका प्रतिबिंब जब बनेगा रेटिना में, तब हम उस वस्तु को देख पाते। यही कारण है कि रात को हम वस्तुओं को नहीं देख पाते या अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि आसपास प्रकाश नहीं होता है। तो ये हमारा नेत्र है, मान लीजिए ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहां पे एक वस्तु रखी है ए बी। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब बनने के लिए मैंने आपको बताया दो किरणों का होना आवश्यक है। जब दो किरणें, मतलब किरणें तो असंख्य होती है लेकिन हम यहाँ पे चित्र में सिर्फ दो किरणों को प्रदर्शित करते हैं, और जब ये किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात मिलेंगी वहां पे बनेगा प्रतिबिंब। तो एक किरण प्रकाश केंद्र से होकर गई तो हम प्रतिबिंब रचना का नियम जानते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण यहाँ गई तो हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये है अल्फा, यानी कि कोण ए ओ बी क्या है हमारा, अल्फा। इसी अल्फा को हम कहते हैं दर्शन कोण। अल्फा का अर्थ, अल्फा मतलब किसी भी वस्तु द्वारा जो नेत्र में कोण बनता है उसको हम कहते हैं दर्शन कोण। अब इसी वस्तु को हम थोड़ा और पास ले आए, वस्तु वही है मतलब आकृति वही है उसकी, उसको हमने पास ले आए। तो देखिए सी, तो ये जो बड़ा कोण बन रहा है ये है हमारा बीटा, यानी कि कोण सी ओ डी। ये भी क्या हो गया, दर्शन कोण। किसके लिए? सी डी के लिए कितना है दर्शन कोण? बीटा। ए बी के लिए दर्शन कोण कितना है? अल्फा। और हमको देख के समझ में आ रहा है
कि अल्फा छोटा है किससे? बीटा से, है ना। तो हमको बड़ी कौन सी वस्तु दिखाई देगी? सीडी। जिसका दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वो वस्तु हमको उतनी बड़ी दिखाई देती है, और जिसका दर्शन कोण छोटा होता है वो वस्तु हमको छोटी दिखाई देती है। तो हम क्या देख रहे हैं? आकृति वही है वस्तु की, आकार उतना ही है, लेकिन उसको पास आने से क्या हो गया? दर्शन कोण बढ़ गया। तो दर्शन कोण बढ़ने से वस्तु हमको कैसे दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार वस्तु को और लाएंगे पास, तो दर्शन कोण का मान और बढ़ जाएगा और वस्तु और बड़ी दिखाई देगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पास लाते जाए वो वस्तु का आकार बढ़ते जाएगा। इसकी एक सीमा है, इस सीमा को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं D से, और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों के लिए। हमारी आंखों के लिए इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से यदि हम कम करें वस्तु को और पास लाए तो वस्तु का आकार नहीं बढ़ेगा। 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जहां पर रखने पर वस्तु का आकार सबसे अधिक होगा, और उसके पास लाएंगे तो वस्तु का आकार स्पष्ट भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस मिनिमम दूरी जो हमारे स्वस्थ नेत्रों के लिए होती है, यदि नेत्र में कोई प्रॉब्लम है, किसी के दृष्टि दोष है तो उसकी बात अलग है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती 25 सेंटीमीटर। इससे कम भी करेंगे तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जहां पर किसी भी वस्तु का अधिकतम ऊंचाई में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया दर्शन कोण के बारे में। इससे दो या तीन नंबर के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्यों किसी दूर पहाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति एक सामने पास में चिड़िया से छोटा दिखाई देता है। व्यक्ति की आकार 4 या 5 फुट तो होगा, और चिड़िया कितनी होती है? छोटी सी। लेकिन दूर पहाड़ी पे बैठा है तो क्यों वो छोटा दिखाई देता है? चिड़िया हमको क्यों बड़ी दिखाई देती है? आप खुद देख लीजिए, चिड़िया यहाँ पे इतनी सी दिखाई देगी, और दूर वहाँ पहाड़ में कोई चीज़ है तो आपको तो दिखाई भी नहीं देगी, जहाँ दिखाई देगी बहुत छोटी दिखाई देगी। तो उसका कारण क्या है? दर्शन कोण। जो व्यक्ति जितना दूर होता है दर्शन कोण का मान उतना ही छोटा होता है, इसलिए वो हमको छोटा दिखाई देता है, और जो जितना पास होता है दर्शन कोण का मान बढ़ने से वो हमको बड़ा दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिसका उपयोग करे वो क्या है? हमारा सूक्ष्मदर्शी है। तो बहुत ही छोटी चीजों को जब हम देख नहीं पाते तो किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल और संयुक्त। इस सूक्ष्मदर्शी को पढ़ाने के पहले कुछ चीजें जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ी उसको फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ पे उनका उपयोग होना है। ठीक, हमने उत्तल लेंस के बारे में 6 स्थितियाँ पढ़ी थी कि अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब रहने से, वस्तु रहने से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। उसकी 2-3 स्थितियाँ जो हमारे इन दोनों में प्रयोग होने वाली, उसका थोड़ा सा आपको रीजन बता दूँ। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में यदि कोई वस्तु कहाँ पर स्थित हो, पहली स्थिति वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
वस्तु अनंत में स्थित है और हम मानते हैं कि अनंत से जो किरणें आती समानांतर होती है। ये समानांतर किरणें आपतित हुई, कहाँ पर जाएगी? समानांतर किरणें कहाँ से जाती है? प्रतिबिंब रचना का नियम क्या बोलता है? समानांतर किरणें कहाँ मिलती है? फोकस में। तो यदि वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस में। इस चीज को याद रखना आप लोग पढ़ते समय, यदि वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस में। दूसरी चीज इसका ठीक उल्टा, यदि वस्तु फोकस में है, ये फोकस है, यहां पे एक वस्तु रखी है, ये द्वितीय फोकस, मुख्य दो नियम का पालन कराएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो किससे होकर जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर गई तो बिना विचलन के निकल गई। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे से फैलती जा रही है, आगे कहीं मिलेंगी क्या? सॉरी फैल नहीं रही है, थोड़ा सा बनाने में गलती हो गई थी। वस्तु जब फोकस में रखी तो देखिए ये तो फोकस से होकर जा रहा है, दूसरा किससे होकर जाएगा? प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा। ये दोनों किरणें कैसी दिख रही है हमको? समानांतर दिख रही है। समानांतर किरणें यहां पर कहीं मिलेंगी क्या? नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि समानांतर किरणें अनंत में जाकर कहीं मिलती है। मतलब दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि वस्तु कहां पर हो? फोकस में हो तो प्रतिबिंब अनंत में मिलेगी किरणें, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? अनंत में बनेगा। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, वस्तु यदि अनंत में है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस में, वस्तु अगर फोकस में है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। एक तीसरी चीज और जिसका यहाँ पे हमको उपयोग हो करेंगे, ये है उत्तल लेंस, ये है इसका फोकस, फोकस टू। यदि हम प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखें, कहाँ रखें? प्रकाश केंद्र और फोकस, के बीच। इसी कंडीशन का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। ये आखिरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, हम वस्तु को अनंत से धीरे धीरे लाते जाते हैं। सबसे आखिरी में हमने क्या देखा कि फोकस के भी अंदर ले आए वस्तु को, तो पहला नियम मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। दूसरा प्रकाश केंद्र से गई तो कहां? सीधा निकल जाएगी। इनकी दूरी लगभग बढ़ते जा रही है, कभी मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे बढ़ाने पर कहां मिलती है? ए डैश बी डैश ए बी। तो हम इसकी छठवीं कंडीशन में क्या देख रहे हैं उत्तल लेंस की, कि यदि इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के पहले हमने वस्तु को रखा तो हमको वस्तु का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसी गुण का उपयोग करके हमने क्या बनाया? सरल, जितने भी सूक्ष्मदर्शी बनाए हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सब में हमको क्या करना है? प्रतिबिंब को बड़ा करना है। और बड़ा करने के लिए क्या नियम? ये वाला नियम कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। इसलिए मैंने इनका आपको फिर से थोड़ा सा रिविजन करा दिया, क्योंकि इन नियमों का यहाँ पर प्रयोग होना है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? हम देख रहे हैं उत्तल लेंस की में अगर प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य में अगर हम वस्तु को रखें तो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए एक उत्तल लेंस ही समर्थ है वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए। तो एक उत्तल लेंस को किसी फ्रेम में कस करके यदि उपयोग बनाया जाए तो वो होता है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। चलिए बनाते हैं हम।
ये हमारा उत्तल लेंस है, ये उसकी फोकस दूरी। हमने वस्तु को कहाँ रखा है? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। ये दोनों किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो कहाँ मिलेंगी? पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। और हमको जो भी वस्तु हमने रखी है उसका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए डैश बी डैश। तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? एक उत्तल लेंस होता है जिसको हम एक नली में कस देते हैं और उस नली में हम आगे पीछे खसका करके, जैसे हमको क्या करना है, वस्तु को कहाँ लाना है? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो उसको आगे पीछे खसका करके हम वस्तु की स्थिति को सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। एक सिंपल सिर्फ एक उत्तल लेंस लगा होता है। और इसका सिद्धांत क्या है? यही कि हम यदि उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य में एक वस्तु को रखें तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। तो जो वस्तु हमको बड़ी करके देखनी है उसको हम कहाँ रख देंगे? इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य में, तो उसको हमको आवर्धित प्रतिबिंब उसका हमको दिखेगा। अब ये बताइए यहाँ पे, और हम इसको इस नली में जब उत्तल लेंस को हम आगे पीछे करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब भी हम जो प्रतिबिंब और वस्तु की जो दूरी है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, नली में ऐसी व्यवस्था रहती है उस सूक्ष्मदर्शी में, तो हम उसको आगे पीछे करके ऐसे सेट करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जिसको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, डी से हम प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी को हमने हटा दिया, तो वस्तु क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पे है। यह है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी O से लेके B डैश तक। यदि सूक्ष्मदर्शी को हटा दे तो वस्तु कम दूरी पे हमको दिखाई देगी क्या? नहीं। यदि सूक्ष्मदर्शी को हटा दे तो हमको वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा? वापस यहीं पर रखना पड़ेगा, A डबल डैश B डैश। ये वाला जो कोण है ये है बीटा और ये वाला कोण है अल्फा। कौन सा कोण बता, लिख देते यहाँ पे, कोण ए ओ बी बराबर है बीटा और कोण ए डबल डैश बी डैश बराबर है अल्फा। ये वाला कोण अल्फा है हमारा और ये जो बड़ा कोण है वो है बीटा, जिसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया। ठीक है, दो कोण बन रहे बीटा और अल्फा। अब सूक्ष्मदर्शी कर क्या रहा है? छोटे चीज को क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है, आवर्धित कर रहा है। अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो वो कितना आवर्धित करेगा उसकी क्षमता हमको ज्ञात करनी है। अभी हम जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे, हर प्रकाशिक यंत्र में हम ज्ञात करेंगे उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। दर्शन कोण हम पहले ही समझ चुके हैं। दर्शन कोण क्या होता है? किसी भी वस्तु या फिर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण को हम क्या बोलते हैं? उसका दर्शन कोण कहते हैं। तो इस चित्र में देखिए, ये वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? कितना दर्शन कोण बना रहा है? ये बीटा। और वस्तु जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे तो ये है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसके द्वारा बना कोण कितना है? अल्फा। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं? बीटा अपॉन अल्फा। तो इस प्रकार से हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, आवर्धन क्षमता मतलब जो प्रकाशिक यंत्र है वो क्या कर रहा है? छोटी चीज को बड़ा कर रहा है, आवर्धित कर रहा है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी? उसका सूत्र होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। दर्शन कोण तो हमने देख लिया क्या होता है, समझ चुके हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये हमारा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ये कितना कोण बना रहा है? कोण बीटा। और ये जो स्पष्ट दृष्टि की, ये देखिए वस्तु यहाँ पे रखी है, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं है। कौन सी है? ये है। तो यहाँ पे यदि वस्तु को रखे तो वो कितना कोण बना रही है? अल्फा। तो इस प्रकार एम बराबर क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन क्या होगा? अल्फा। अब हमारा m क्या निकला? बीटा अपॉन अल्फा। अब चूंकि अल्फा और बीटा का मान बहुत कम होता है, अतः हम अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा और बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा। तो हमारी आवर्धन क्षमता कितनी हो गई? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब अल्फा निकालने के लिए अल्फा वाला चित्र यदि हम अलग से बना ले, ये वस्तु है AB, कितना कोण बना रही है? अल्फा। और ये दूरी कितनी है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी? d। ठीक है, इससे हमको अल्फा निकल जाएगा और बीटा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। तो tan बीटा का मान कितना होगा बताइए? tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan का सूत्र, है ना। यहाँ पे tan बीटा क्या होगा? लंब यानी AB बटे OB लिख लेते हैं, AB बटे OB बटे tan अल्फा बराबर AB बटे OB, लेकिन यहाँ पे OB क्या है? D, ये वाला मान नहीं है, ये क्या है? D। D अब ये आगे क्या होगा? AB बटे OB गुणा D बटे AB, AB AB कट गया, तो हमारे पास M का मान कितना आया? D अपॉन OB। D क्या है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और OB क्या है? OB प्रकाश केंद्र से, AB हमारी वस्तु है तो प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। डायरेक्शन इस तरफ है तो कितना होगा? ऋणात्मक। DB
इस तरफ है तो वो भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो दोनों में अगर हम ऋण डी रखेंगे, नीचे रखेंगे ऋण यू, तो ये आ गया हमारा आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र डी अपॉन यू, समीकरण एक। अब हम जितने भी प्रकाशिकी यंत्र पढ़ेंगे उनमें हम आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में निकालेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहला हम निकाल रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। पहला हम निकालते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। हम क्या जानते हैं लेंस सूत्र से, एक बटे एफ बराबर क्या होता है, एक बटे वी ऋण एक बटे यू होता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी वी क्या है, ऋण डी। प्रतिबिंब की दूरी वी क्या है, ऋण डी। और वस्तु इस ओर है तो यू को भी हम क्या लेंगे, ऋण यू। चलिए दोनों मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, एक बटे एफ बराबर एक बटे ऋण डी ऋण एक बटे ऋण यू, या एक बटे एफ बराबर ऋण एक बटे डी ऋण ऋण धन एक बटे यू। इसको इधर यदि हम पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, एक बटे यू बराबर एक बटे डी धन एक बटे एफ। एक बटे यू यही है, हमने ऋण एक बटे डी को उधर पक्षांतर किया तो ऋण का क्या हो गया, धन हो गया। अब इस पूरे समीकरण में यदि डी से गुना कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी कट गया वन प्लस डी अपॉन एफ। किसका मान निकला, ये डी अपॉन यू का मान निकला। इस डी अपॉन यू के मान को हमने रख दिया समीकरण एक में। तो लेंस की यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कब, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कितना होना चाहिए, d अपॉन u का मान कितना आया, 1 प्लस d अपॉन f, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस d अपॉन f। तो ये हमने पहला कंडीशन निकाल दिया, आवर्धन क्षमता कब, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर। तो वस्तु की दूरी u को हम क्या लिख सकते हैं, f। u कहां पर होगा, फोकस पर, तो u किसके बराबर होगा, फोकस दूरी के बराबर होगा, तभी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत में। तो इस समीकरण में हमने u की जगह क्या लिख देना है, m बराबर d अपॉन f। ये हो गया, ये वाला हो गया आपका समीकरण दो, समीकरण तीन, यही इसका हल है। समीकरण दो वो सूत्र है जो ये बताता है प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और समीकरण तीन वह स्थिति बताता है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। ठीक, तो ये तो था हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के सूत्र से हम देख रहे हैं कि वो किसके व्युत्क्रम अनुपाती है, फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन क्षमता उतनी अधिक होगी, आवर्धन क्षमता अधिक होगी मतलब वस्तु हमको उतनी बड़ी दिखाई देगी। तो फोकस दूरी की भी एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा कम तो उसको हम नहीं कर सकते। तो और ज्यादा जब हमको आवर्धन क्षमता चाहिए तो हम वहां पर एक की जगह दो लेंस का उपयोग करते हैं और हमारा बनता है, ये सरल था वो बनेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
यहाँ पर भले हम बोल रहे हैं कि हम एक लेंस लगा रहे हैं या दो लेंस लगा रहे हैं, पर वास्तव में जो हम लगा रहे हैं वो एक या दो अकेला लेंस नहीं होता है, लेंसों का संयोजन होता है। क्यों? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि एक लेंस की जगह यदि हम दो या तीन लेंसों का संयोग करके उपयोग करेंगे तो प्रतिबिंब में उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में हमने पढ़ा, वर्ण विपतन और अवर्णकता। तो उन दोषों को कम करने का क्या उपाय हमने सीखा कि एक लेंस की जगह क्या उपयोग करना है, दो तीन लेंसों को एक साथ जोड़ करके उपयोग करना है ना। तो यहाँ पर हम यही दिखाएंगे कि एक लेंस है कि दो लेंस है, पर वास्तव में जो एक लेंस है वो एक लेंस ना हो करके क्या है, कई लेंसों का समूह होता है। क्यों? ताकि हमारे प्रतिबिंब में दोष कम से कम हो। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमारा एक की जगह दो लेंस होता है। देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे एक है उत्तल लेंस, इसके फोकस के बाहर एक वस्तु रखी है ए बी, जिसको हमको देखना है। इस ए बी का प्रतिबिंब बनना है तो एक किरण कहाँ से गई, मुख्य अक्ष से, तो किससे होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर गई, दोनों किरणें यहाँ पर मिली, तो ए बी का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश। ये एक लेंस हुआ। दूसरा लेंस यहाँ पर होता है, अब यहां से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश केंद्र से गई तो सीधी निकल गई। दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर एक की जगह कितने लेंस उपयोग हो रहे हैं, दो, एक ये और एक ये। सामने वाला लेंस है, इसके सामने वस्तु रखी होती है, इसको हम कहते हैं अभिदृश्यक। तो थोड़ा स्पष्ट लिख दूं मैं, तो जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसको कहते हैं अभिदृश्यक, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये वाला लेंस जो है व्यास की तुलना में अगर देखें तो थोड़ा छोटा होता है इस लेंस से। और यहाँ पे हमारी आंखें होती हैं जिससे हम देखते हैं, तो आंखों के पास वाले लेंस को हम बोलते हैं नेत्रिका। दो लेंस, वस्तु के पास वाले को अभिदृश्यक, आंखों के पास वाले को नेत्रिका। अभिदृश्यक का आकार थोड़ा, व्यास इसका कम होता है किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। अब इस लेंस, ये लेंस एक नली पर लगा रहता है और ये लेंस दूसरे नली पर लगा रहता है, दोनों नलियां आपस में रैक पीनियल मेथड कहते हैं, उस तरीके से उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने की हमको आवश्यकता होती है क्योंकि हमको प्रतिबिंब को अलग अलग जगह पे बनाना है, ठीक है। जिस वस्तु को देखना है उसको हम अभिदृश्यक, अब मैं ये लेंस नहीं बोलूंगी, जो वस्तु की ओर है वो अभिदृश्यक और जो आंख के पास है वो नेत्रिका। तो मैं नेत्रिका और अभिदृश्यक का प्रयोग करूंगी, आपको समझना है, ठीक है। तो जिस वस्तु को देखना है उसको हम अभिदृश्यक के फोकस के कुछ बाहर रखते हैं, फोकस के बाहर। क्यों? फोकस में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी फोकस पे बन जाएगा, तो फोकस के बाहर रखते हैं, जिससे हमको ए बी का प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, ए डैश बी डैश। उसके बाद दोनों नली को आगे पीछे खसकाकर इस प्रकार सेट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के अंदर आ जाए। हमने सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या पढ़ा है, यदि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु स्थित हो तो उसका बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब उसी दिशा में प्राप्त होता है। छठवीं कंडीशन उत्तल लेंस की, यही सिद्धांत सरल सूक्ष्मदर्शी में भी यूज हुआ था। तो
इसको इसकी नली की लंबाई को इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये जो पड़ने वाला प्रतिबिंब है ये इसके प्रकाश केंद्र और फोकस, मतलब फोकस यहाँ अगर हो तो इसके अंदर बने, जिससे इसका आवर्धित प्रतिबिंब PQ हमको प्राप्त होता है। और नलियों को आगे पीछे करके इस प्रकार सेट करते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। फिर से बता दूँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D से प्रदर्शित करते हैं और आंकिक रूप से इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी क्या ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता के लिए वही फॉर्मूला, क्या M से प्रदर्शित करते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शक कोण, बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, PQ, तो PQ द्वारा कितना दर्शन कोण बन रहा है, बीटा, ठीक है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमने वस्तु को रखा, इसके लिए अलग से प्रतिबिंब बना लिया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमने कहाँ रखा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब दर्शन कोण कितना बन रहा है, अल्फा। तो हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या मिला, बीटा अपॉन अल्फा। चूंकि बीटा और अल्फा का मान बहुत कम होता है तो बीटा को हम क्या लिख लेंगे, टैन बीटा, और अल्फा को क्या लिखेंगे, टैन अल्फा। अब चलिए टैन बीटा का मान कितना होता, देखिए ये बीटा है, इसका टैन निकालेंगे तो टैन का मान लंब बटे आधार, यानी ए डैश बी डैश ई बी डैश, नेत्रिका के लिए केंद्र ई, अभिदृश्यक के लिए ओ। तो टैन बीटा बराबर लंब यानी ए डैश बी डैश बटे आधार यानी ई बी डैश, चलिए लिखते हैं, ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। और टैन अल्फा के लिए वस्तु की लंबाई ए बी और आधार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि डी, ए बी बटे डी। अब हम जानते हैं सूत्र ए बटे बी और सी बटे डी होने से क्या होता है, ए बटे बी गुणा ये उल्टा हो जाता है डी अपॉन सी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम बराबर ए डैश बी डैश ई बी डैश, इसको क्या कर देंगे उल्टा यानी कि डी अपॉन ए बी। अब यदि मैं ए बी को इधर ले आऊँ, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर डी अपॉन सॉरी गुणा है यहाँ पे डी अपॉन ई बी डैश, समीकरण एक। ये हम क्या निकाल रहे हैं, आवर्धन क्षमता का सूत्र, किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब इस चित्र में देखिए थोड़ा सा, त्रिभुज ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी व ए डैश बी डैश ओ, ध्यान दीजिएगा ए बी ओ पहला त्रिभुज, दूसरा ए डैश बी डैश ओ दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में ये वाले कोण कैसे हैं, कोण है शीर्षाभिमुख कोण, तो आपस में बराबर होंगे, ये 90 अंश ये 90 अंश, तो इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए। चूंकि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, अर्थात दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। और समरूप त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है, एक का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर एक का आधार बटे दूसरे का आधार। तो इसका लंब कितना है, इसका लंब लेते चलो पहले
क्या हो जाएगा, त्रिभुज कैसे है, समरूप है, तो उसका लंब यानी ए डैश बी डैश बटे इसका लंब यानी ए बी बराबर क्या होना चाहिए, इसका आधार यानी ओ बी डैश बटे इसका आधार यानी ओ बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी किसके बराबर हो गया, ओ बी डैश बटे ओ बी के। इस मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख दीजिए। एम बराबर क्या निकला हमारा, इसकी जगह हमको क्या रखना है, ओ बी डैश बटे ओ बी इंटू डी अपॉन ई बी डैश, समीकरण दो। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, ओ बी डैश क्या है, ओ बी क्या है, डी क्या है, ई बी डैश क्या है, अब देखिए हम निकाल रहे हैं आवर्धन क्षमता, ओ बी डैश ओ बी डैश, ए डैश बी डैश किसका प्रतिबिंब है, ए बी का, किसके द्वारा बना है, अभिदृश्यक के द्वारा, तो अभिदृश्यक के लिए ए डैश बी डैश क्या किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ओ बी डैश इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, चूंकि अभिदृश्यक के लिए इसको हम प्रदर्शित करेंगे वी ओ लगाकर, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस है, एक तो अभिदृश्यक दूसरा नेत्रिका, तो जो दूरियाँ होगी इसके लिए उसको हम बोलेंगे ओ लगाकर और जो उसके लिए होगी उसको हम बोलेंगे ई लगाकर, तो ओ बी डैश हमारा कितना हो गया, इस ओर है इसलिए क्या हो जाएगा धन, ओ बी क्या है वस्तु की दूरी किसके लिए, अभिदृश्यक के लिए, और इस ओर है तो ऋण यू, ये हमारा क्या है डी, ई बी डैश क्या है, ई बी डैश ये ए बी का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और यही प्रतिबिंब ई के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का, और प्रतिबिंब क्या बनता है पी क्यू, तो ई बी डैश क्या है वस्तु की दूरी किसके लिए, नेत्रिका के लिए, और इस ओर है तो माइनस, और नेत्रिका के लिए इसलिए यू ई, इस ओर है इसलिए माइनस, और डी भी चूंकि इस ओर है इसलिए ये भी क्या होगा माइनस, तो हमारे पास फॉर्मूला निकला माइनस वी जीरो अपॉन यू ओ डी अपॉन यू बी, किसके लिए फॉर्मूला है ये, आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला। अब हम फिर से दो कंडीशन देखेंगे, क्या अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और दूसरा अनंत पर, तो पहली कंडीशन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, नेत्रिका के लिए, इससे जो भी लेंगे F U E सब हम में क्या लगाएंगे, E लगाएंगे, हमारे पास लेंस सूत्र क्या होता है, एक बटे F बराबर एक बटे V माइनस एक बटे U, F की जगह लिखेंगे F E, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो प्रतिबिंब की जगह क्या लिखेंगे माइनस डी, यू भी क्या है वस्तु के सामने है इसलिए क्या होगा माइनस यू ई, ये सारे मान को यदि हम इसमें रख दें, एक बटे एफ ई बराबर हो जाएगा एक बटे ऋण डी ऋण एक बटे यू की जगह ऋण यू ई, ये ऋण ऋण हो जाएगा धन धन एक बटे यू ई, इसको यदि पक्षांतर कर दे तो एक बटे यू ई बराबर हो जाएगा एक बटे एफ ई प्लस एक बटे डी, पूरे में यदि हम डी का गुणा कर दे तो डी अपॉन यू ई का मान हो जाएगा, डी डी कट गया तो यहाँ पे एक बचा, ये क्या हुआ डी अपॉन एफ ई, इस डी अपॉन यू ई के मान को हम रख देंगे समीकरण दो में, तो हमको आवर्धन क्षमता निकल जाएगी समीकरण तीन में, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कब, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, किसके द्वारा दी जाएगी, ये क्या है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और डी अपॉन यू ई का मान हमने कितना निकाला, वन प्लस डी अपॉन
एफ ए इस सूत्र के द्वारा दी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन कहाँ पे बनना चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर, है ना। तो यूई की जगह हमको क्या लिखना है, दूसरी कंडीशन पे अनंत वाले में यूई की जगह क्या लिखेंगे, एफ ई, क्योंकि वस्तु कहाँ पर स्थित है, फोकस पर। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। तो हमारा सूत्र हो जाएगा समीकरण तीन से एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। तो इन समीकरण चार और पांच के द्वारा दोनों सूत्र दिए जाते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और अंतिम प्रतिबिंब बने अनंत पर, जहाँ पर वी ओ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी अभिदृश्यक के लिए, और सॉरी ठीक है, और वस्तु की दूरी अभिदृश्यक के लिए, एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो आज हमने क्या देखा, प्रकाशीय केंद्रों के बारे में जाना, और क्या जाना हमने, दर्शन कोण क्या है, क्यों दूर स्थित व्यक्ति भी छोटा दिखाई देता है, पास स्थित चिड़िया भी बड़ी दिखाई देती है, किस कारण, दर्शन कोण के कारण। और हमने दो प्रकाशीय केंद्रों के बारे में पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके आगे हम और प्रकाशीय केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।